तो वहीं मुल्तानी नगर के ताप्ती शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में भोज विश्वविद्यालय की ओर से संचालित बीए थर्ड ईयर एग्जाम के पांचवें पेपर में कॉलेज प्रशासन ने एक मुन्ना भाई को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नकल रोकने के लिए की जा रही जांच के दौरान शंका के आधार पर चेतन अमृते नामक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि ये मुन्ना भाई ऋतिक सिंह ठाकुर की जगह परीक्षा दे रहा था। पकड़े गए आरोपी ने ही पिछले चार पेपर भी ऋतिक बंद कर दिए थे। मामले में कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कॉलेज आकर आरोपी को अपने साथ ले गए। पूरे मामले में पकड़े गए आरोपी का कहना है कि पिछले चार पेपर भी उसी ने दिए थे। आरोपी द्वारा बताया गया कि वो अपने दोस्त की जगह पेपर दे रहा था। इधर पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है। महाविद्यालय में अभी प्रथम पाली भोज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। आज बीए तृतीय वर्ष बीएससी के पेपर चल रहे थे, तो पेपर में नकल प्रकरण रोकने के लिए सघन जांच प्रतिदिन जब भी परीक्षार्थियों की परीक्षा होती है की जाती है। इसी जांच के दौरान ये ऋतिक ठाकुर, पिता दिलीप ठाकुर, इनके स्थान पर कोई अज्ञात व्यक्ति बैठा हुआ पाया गया। जब उससे हमने पूछा, क्योंकि उनकी फोटोग्राफ मैच नहीं हो रही थी उनके एडमिट कार्ड से और अटेंडेंस शीट से, तो उनसे पूछा गया कि आप कोई और अन्य दस्तावेज है क्या जिससे आप ये साबित हो सके कि आप ही ऋतिक ठाकुर हैं। तो उनके द्वारा पहले तो ये कहा गया कि मैं ही हूँ, और बोला कि मैं दूसरा दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु कुछ समय देने के पश्चात भी वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके आधार पर उनको परीक्षा से उठा दिया गया, परीक्षा देने नहीं दिया गया। आगे हम जांच प्रतिवेदन बनवा रहे हैं और विश्वविद्यालय को इस प्रकरण की सूचना दी जाएगी, साथ ही मुल्ताई थाने में भी इसकी सूचना दी जाएगी और उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी।